मंगलवार को अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रभुनाथ व नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में खजांची चौराहे से लेकर मेडिकल कॉलेज तक अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रहा। यह बृहद अतिक्रमण हटाओ अभियान गोरखपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन और PWD के संयुक्त तत्वाधान में चलाया गया और आगे भी जारी रहेगा। संयुक्त अभियान में PWD के जेई सड़क के केंद्र से 18 मीटर दाहिने और 18 मीटर बाएं निशान लगा रही थी और नगर निगम की टीम बुलडोजर के माध्यम से अतिक्रमण से कब्जा हटाने का काम कर रही थी, जबकि जिला प्रशासन अभियान के दौरान नागरिकों से होने वाली झड़प से निपटने के लिए अपने दल बल के साथ मुस्तैद थी। फोरलेन के लिए चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान स्थानीय लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गया। सड़क पर आने जाने वाले लोग अभियान को देखने के लिए रुकने लगे, जिसकी वजह से सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। अभियान के दौरान सड़क पर कब्जा करने वाले लोग अपने सामानों को ठिकाने लगाने में जुट गए। अभियान में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, अपर नगर आयुक्त DK सिन्हा, संयुक्त नगर आयुक्त सुमित कुमार सहित नगर निगम और जिला एवं पुलिस प्रशासन की टीमें मौजूद रही। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह और अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रभुनाथ तथा जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने बताया। Thank you.
संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है जिसमें गोरखपुर विकास प्राधिकरण, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सभी लोग सम्मिलित हैं। ये सड़क जो है पूरा 4 लेन होने जा रही है महाराजगंज से असुरन तक। 4 लेन होने की वजह से जो प्राधिकरण का यहाँ पे प्लान है इसमें 36 मीटर है और जो चौड़ीकरण में ये 4 लेन होगी इसमें जो है दोनों तरफ नाले नालियाँ बनेंगी, सड़कें बनेंगी। तो पीडब्ल्यूडी के चौड़ीकरण को देखते हुए रोड के दोनों तरफ से ये अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है जिसमें विकास प्राधिकरण की एक JCB, नगर निगम की गाड़ियां और PWD की गाड़ियां लगी हुई हैं। पूर्व में ही सूचना दिया जा चुका है, 1 महीने का पूरा अतिक्रमण का प्रोग्राम जारी कर दिया गया है जिसमें जो है झुंगिया बाजार से लेकर मेडिकल कॉलेज होते हुए खजांची चौराहा, HN सिंह चौराहा, असुरन चौराहा होते हुए पूरा नौसड़ तक ये अभियान चलेगा। इसी प्रकार उसके बाद जो है इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के बरगदवा तक ये अभियान चलाया जाएगा जिसमें ताकि चौड़ीकरण के कार्य में किसी प्रकार का जो भी अवरोध है उनको दूर किया जा सके। ये अतिक्रमण सड़क के दोनों तरफ जो किए हुए हैं उसको हटाने की कार्रवाई चल रही है, कल भी चला था और आज चल रहा है। ये आपका काली मंदिर से लेकर के पूरा मेडिकल कॉलेज के आगे तक इसमें सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई है। ये जब तक पूरा नहीं हो जाएगा प्रतिदिन ये चलता रहेगा। इसमें सड़क से अलग अलग है, कहीं 12.5 मीटर है, कहीं 18.5 मीटर है, जहाँ जैसी जो है राजस्व अभिलेखों में जैसा दर्ज है उस हिसाब से है। इसमें देखिए कितने लोग अतिक्रमण अभी कर रखा है उसको बृहत हम लोग अभियान चला रहे हैं। अभी सबसे निवेदन है ताकि गोरखपुर जनपद ट्रैफिक से बहुत ग्रस्त है, बहुत लोग परेशान हैं। किसी एम्बुलेंस में किसी मरीज को जाना जा नहीं पाता, किसी के कोर्ट का जाना, कचहरी के जाना, नौकरी पे जाना है, बहुत लोग जाम में फंसे रहते हैं, उससे यहाँ का वातावरण भी प्रदूषित हो जाता है। अब से सबसे निवेदन करता हूँ कि जो नाली तक आप जो भी इंक्रोचमेंट है सही है, नाली के आगे बढ़ाएँ तो कृपया करके अपने ही मर्जी से आप हटा दीजिएगा, नहीं तो हम सख्ती से हटवाना पड़ेगा। जुर्माना भी लगाएंगे फिर यदि ज़्यादा निर्माण है तो फिर उनको मुकदमा भी दर्ज कराना पड़ेगा हमें।